Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIIMS Academy Chidawa. Hello friends, good morning all of you. Welcome back to AIIMS Academy Chidawa. तो हम ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. तो जो प्रीवियस लेक्चर था हमने उसमें एलिमेंट का ऑर्डर पढ़ा था, एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में पढ़ा था. तो उसके ऊपर एक थ्योरम डिस्कस करते हैं. लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी. Then, so that order of A equal to order of X A X inverse for all X belongs to G. ये result proof करना में कि अगर G कोई भी एक group है और A उसका कोई भी एक element है तो उस element का जो order होगा वही एक्स एक्स इनवर्स का ऑर्डर होगा. तो ये जब भी आप कोई कंपटीशन के एग्जाम दोगे, एमएससी एंट्रेंस वगैरह है बीएससी के बाद, उसमें क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है वहां पे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज किए जाते हैं. तो यहां तो आप प्रूफ कर रहे हो, वहां प्रूफ नहीं पूछता, वहां आपको रिजल्ट यूज करना, कैसे यूज करना है. तो जब भी एमएससी एंट्रेंस के वीडियो लेक्चर डालेंगे तब ये चीजें बताएंगे आपको कि जैसे आपको कोई ग्रुप दे दिया, उस ग्रुप के एक एलिमेंट का ऑर्डर दे दिया, एलिमेंट का ऑर्डर देके एक्स एक्स इनवर्स का ऑर्डर पूछ रहा है, तो आपको रिजल्ट ध्यान में आना चाहिए कि जो ए का ऑर्डर दिया हुआ है वही इसका ऑर्डर होना चाहिए. कि जैसे एक ऑर्डर फोर दे दिया और इसका ऑर्डर पूछ लिया तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा. आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी, सेकेंड के हिसाब से क्वेश्चन होंगे. तो वहां इनको यूज किया जाता है. तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, ये प्रूफ करना हमें. तो ये प्रूफ करने के लिए हमें ए का ऑर्डर कुछ मान लें. जैसे हम ये बोले कि a का जो ऑर्डर है वो n है और x से x इनवर्स का ऑर्डर जो है वो हम सपोज कर ले m है. तो अगर हम m इक्वल टू n ले आए, m इक्वल टू n अगर दिखा देंगे, ये शो कर दें, तो ऑर्डर ऑफ a बराबर ऑर्डर ऑफ x से x इनवर्स हो जाएगा. तो हमें शो करना है m इक्वल टू n, m इक्वल टू n. तो m इक्वल टू n लेकर आने के लिए हम दो इक्वेशन बनाएंगे कि m लेस देन इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू m. अगर ये दो इक्वेशन बना लें तो क्या पॉसिबिलिटी होगी से m इक्वल टू n होगा, m इक्वल टू n होगा. तो इसके लिए कि इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है, इसका मतलब गया a की पावर n लगाने पे क्या आया, आपका आइडेंटिटी आया ऑर्डर की डेफिनेशन से, ऑर्डर की डेफिनेशन से. और इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ x से x इनवर्स इक्वल टू m है, तो इसका मतलब होगा x से x इनवर्स की पावर है m लगाने पे क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी आएगा. तो मैंने बताया था कि अगर a की पावर n इक्वल टू e है तो यहां n क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है. हो सकता है a की पावर m लगाने पे भी क्या जाए, आइडेंटिटी आ जाए. अगर ऐसा होगा तो ये जो m होगा, अगर n को मैं ऑर्डर बोल रहा हूं, n को अगर मैं ऑर्डर बोल रहा हूं कि अगर n ऑर्डर ऑफ a है तो ये m इस n से क्या होगा, बड़ा होगा. और बड़ा होगा तो मैं ये कहूंगा कि a का जो ऑर्डर है, n छोटा होगा तो a का जो ऑर्डर है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, m होगा. या तो m के, अगर m की वैल्यू n ही हुई, n लगाने पे भी आइडेंटी आएगा, n हुई उस केस में तो इक्वल हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा. क्यों, कि जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था ओमेगा क्यूब इक्वल टू बी वन आता है, ओमेगा सिक्स इक्वल टू बी वन आता है, ओमेगा नाइन इक्वल टू बी वन आता है. तो यहां ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना था, थ्री था. तो अगर थ्री लगाने पे वन आए तब तो ओमेगा थ्री हो गया, उसका ऑर्डर के बराबर हो गया इक्वल वाले केस में. अगर सिक्स हो जाए तो यहां से क्या बोलूंगा मैं, ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या है, लेस देन इक्वल टू सिक्स होगा. कि इक्वल तो तभी होगा तो थ्री आए, वरना क्या होगा, लेस देन सिक्स होगा, लेस देन सिक्स होगा, मैं ये बोल सकता हूं. तो इसका मतलब ये होगा. तो यहां ये चीज ध्यान में रखनी आपको कि अगर आप n ऑर्डर मान रहे हो, अगर और कुछ लगाने पे आइडेंटिटी आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m लिख पाएंगे, m लिख पाएंगे. तो यहां मुझे ये इक्वेशन बनानी है, m लेस देन इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू m.
तो ये क्वेश्चन लगाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं a की पावर n बराबर मेरा आइडेंटिटी है, n मैंने ऑर्डर मान रखा है, तो यहां से अगर मैं ऐसा ले आऊं a की पावर m बराबर आइडेंटिटी ले आऊं, तो उसे मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m होगा, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m होगा, और ऑर्डर ऑफ a n मान रखा आपने, तो n लेस देन इक्वल टू m वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो एक इक्वेशन आपकी इस टाइप से बना लेंगे कि a की पावर m बराबर आइडेंटिटी ले आए, m बराबर आइडेंटिटी ले आएंगे, तो इस टाइप से हम बनाएंगे। तो देखते हैं, करते हैं इसको प्रूफ, ऐसे दूसरी बना लेंगे, दूसरी बना लेंगे। लेकिन इससे पहले, इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले मुझे एक रिजल्ट प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर अगर एन लगाऊं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो गुलाब जामुन की तरह होता है ना, उसमें गुलाब भी दिखाई नहीं देता, जामुन भी दिखाई नहीं देता, तो वो एक कहानी यहाँ है, ये नॉर्मल मैथ से हटके है कि नॉर्मल मैथ में तो आप क्या करते थे, पावर होने पर सबके पावर लगा देते थे कि एक्स की पावर एन, ए की पावर एन, एक्स इनवर्स की पावर एन, ये तो था नॉर्मल मैथ में। लेकिन अलजेब्रा में ऐसा नहीं होगा, अभी दिखाएंगे हम आपको अलजेब्रा में क्या होगा कि अलजेब्रा में एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एन लगाने पे एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स आएगा, केवल जो पावर है वो इस एलिमेंट के ऊपर आएगी, इस एलिमेंट के ऊपर आएगी। तो पहले हम ये रिजल्ट प्रूफ करते हैं, रिजल्ट प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ, लेट जी बी ए ग्रुप, हम जी ए ग्रुप मान ले, एंड ए उसका कोई एलिमेंट मान, ए कोई एलिमेंट, आल्सो लेट ए का ऑर्डर जो वो एन मान ले, एंड ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर क्या मान ले, एम मान, एम। तो अब हमारा काम बचेगा एम इक्वल टू एन लिख कराने का, m इक्वल टू n लिख कर आने के, और ये लिख कर आने के लिए मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा, दो इक्वेशन बनाऊंगा। तो फर्स्ट वी सेल सो दैट, इसे सो करने से पहले हम क्या सो करें, सो दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करना पड़ेगा। x a x इनवर्स की पावर n इक्वल टू x a n x इनवर्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जब भी नेचुरल नंबर होता है उस टाइम क्या यूज करता है, मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन जो है उसको यूज करते हुए हम ये शो करें पहले कि x a x इनवर्स की पावर n लगाएंगे तो उस केस में ये x a n x इनवर्स आएगा, a n इनवर्स आएगा। तो करते हैं सो, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता था कि n इक्वल टू 1 या 2 के लिए हम प्रूफ करें, फिर n इक्वल टू k के लिए हम सपोज करें कि n इक्वल टू k करने पे ऐसा हो जाएगा, और फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वापस ये शो कर दें कि यहाँ k प्लस 1 होगा तो पावर केवल एक ही आएगी k प्लस 1, अगर ऐसा हो जाए तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो पहले हम इसे किससे सोल्व करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से शो करेंगे। तो नाउ मैं लेके चलूं x a x इनवर्स का स्क्वायर, जब पावर वन करोगे तब तो सो करने के लिए कुछ बचा ही नहीं आपके, वन पावर तो सबकी हो जाएगी, x की भी हो जाएगी, x इनवर्स की भी हो जाएगी, तो पावर टू लेके चले हम, तो x x इनवर्स का स्क्वायर लेके चले हैं, तो इसे मैं लिखता हूं x a x इनवर्स इनटू x a x इनवर्स। अलजेब्रा में मैंने बता रखा है कि जितनी पावर हो उतनी बार उससे क्या कर दो, ऑपरेशन करवा दो, पावर का मतलब यह है। तो x x इनवर्स इनटू x a x इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होगी, क्योंकि आपका ग्रुप है और ग्रुप होने की वजह से एसोसिएटिव लागू होगी, तो एसोसिएटिव से x इनवर्स x एक साथ कर लें, तो इसे मैं लिखता हूं x a x इनवर्स x एक साथ कर लिया, ax इनवर्स, ax इनवर्स, और x एलिमेंट है और ये इसका इनवर्स एलिमेंट है, तो एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, e बनाते हैं, तो इसे मैं लिखता हूं x a e ax इनवर्स, ये लिख सकता हूं कि ये e बन गया आपका, ये e बन गया। अब e से चाहे किसी को भी ऑपरेशन करवा दो, वापस वही एलिमेंट आएगा, वापस वही एलिमेंट आएगा।
तो यहां से क्या हो जाएगा, ये केवल आएगा x से और ax इनवर्स आएगा। वापस से एसोसिएटिविटी लगा दूं मैं कि a और a एक साथ ले लूं, x इनवर्स, तो ये आ जाएगा x और a को a स्क्वायर लिखता हूं x इनवर्स। तो यहां से मैंने शो कर दिया कि x a x इनवर्स का स्क्वायर अगर करूंगा तो स्क्वायर केवल a के लगेगा, a के लगेगा। मैंने कहा था ना सबके पावर आनी जरूरी नहीं है, तो नॉर्मल मैथ को यूज नहीं करें इसमें। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहां से ये आ गया हमारे पास। अब हम मान लें, लेट अस सपोज दैट कि x a x इनवर्स की पावर अगर k लगाऊं मैं तो क्या देगा, x a की पावर k x इनवर्स आ जाएगा। k n इक्वल टू k के लिए हम मानेंगे, तो ये हमने सपोज कर लिया। और k प्लस वन के लिए हम वापस से प्रूफ कर देंगे, वापस प्रूफ कर देंगे। तो अगेन हम लेके चलें x a x इनवर्स की पावर k प्लस वन, तो इसको मैं प्रूफ करूं कि ये k प्लस वन केवल a के ऊपर आएगी पावर। तो इसके लिए इसको मैं ये लिख सकता हूं x a x इनवर्स की पावर k इंटू x a x इनवर्स, पावर वन अलग कर ली तो क्या हो जाएगा, k प्लस वन बन जाएगा वो, तो ये लिख सकते हैं। और k के लिए मैंने सपोज कर रखा है कि पावर k लगाऊंगा तो k पावर किस पे आएगी, केवल a के ऊपर आएगी, a के ऊपर आएगी। तो इसे क्या लिखता हूं, x a की पावर k x इनवर्स लिख सकता हूं, और x a x इनवर्स लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। तो यहां से वापस एसोसिएटिव लगा दूं कि x a की पावर k अलग कर दूं और x इनवर्स x अलग कर लूं, ये x इनवर्स बच गया आपका। तो यहां से ये क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। तो x a की पावर k आइडेंटिटी ax इनवर्स, तो आइडेंटिटी से किसी को भी करवाओ वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x a की पावर k ax इनवर्स, वापस a की पावर k और a को एक साथ ले लें x इनवर्स। तो यहां से क्या जाएगा, x a की पावर क्या बन गई, k प्लस वन बन गई, k पावर ये वन पावर ये है x इनवर्स। तो हमने ये शो कर दिया कि अगर k प्लस वन पावर लगाई तो वो k प्लस वन भी इसके ऊपर आई। हैंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, हैंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या हो गया, x a x इनवर्स की पावर अगर n लगाएंगे तो पावर केवल a के ऊपर आएगी, और ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे उसी थ्योरम के अंदर। तो थ्योरम का ही प्रूफ चल रहा है ये कि हमने ये शो किया पहले। अब मेरा काम है m इक्वल टू n लेकर आना। तो मैंने a का ऑर्डर n माना था और x x इनवर्स का ऑर्डर m माना था। तो उनका मीनिंग क्या है कि सिंस ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू क्या है, n है, इसका मीनिंग हुआ कि a की पावर n बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा ऑर्डर की डेफिनेशन से। और ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स बराबर m है, तो इसका मतलब होगा x a x इनवर्स की पावर m बराबर आइडेंटिटी। तो नाउ मैं लेके चलू x a x इनवर्स की पावर n लेके चलो, तो x a x इनवर्स की पावर n लगाई हमने। तो यहां से इस रिजल्ट को यूज करूं मैं, इस रिजल्ट से क्या हो जाएगा, x a x इनवर्स की पावर n बराबर x a की पावर n x इनवर्स की पावर n केवल a पे लगेगी, तो ये हो जाएगा। लेकिन a की पावर n बराबर मेरा आइडेंटिटी है, तो a की पावर n को मैं क्या लिखता हूं, आइडेंटिटी लिख सकता हूं x इनवर्स। और आइडेंटिटी को ऑपरेशन करवाऊं x से तो क्या बन जाएगा, वापस x बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू x इनवर्स। और x इंटू x इनवर्स मिलके क्या बनेगा, आइडेंटिटी, एलिमेंट और दुश्मन मिलेंगे तो खत्म कर देगा दुश्मन उसको, तो ये आइडेंटिटी होगा। तो यहां से मेरे पास ये आ गया कि x a x इनवर्स की पावर n बराबर आइडेंटिटी आ गया।
लेकिन उसकी पावर तो m बराबर आइडेंटिटी था, m बराबर आइडेंटिटी था कि ऑर्डर तो m मान रखा है, तो ऑर्डर m मान रखा है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, m से कम या बराबर होगा। तो यहां से मैं बोलता हूं ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा। और इसका ऑर्डर अगर लेस देन इक्वल टू n होगा, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर m है, तो यहां से मैं बोलता हूं m लेस देन इक्वल टू n। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई कि m की जो वैल्यू है वो n से क्या है, कम है, लेस देन इक्वल टू n है। तो एक इक्वेशन तो बढ़ा लिया हमने हमने कि पावर हम n लगा के चले। तो थ्योरम को एक बार n लगा के चले, एक बार ऑर्डर वाला है मेरा कि पावर m बराबर आइडेंटिटी है। अगेन दूसरी इक्वेशन बनाई मुझे, तो दूसरी इक्वेशन के लिए मैं ये कह सकता हूं कि मैंने ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर एम सपोज कर रखा है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर एम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंप्लाइज एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एम बराबर क्या है, आइडेंटिटी है, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एम बराबर आइडेंटिटी है। और पावर एम बराबर आइडेंटिटी है तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि पावर क्या होगी, केवल a पे लगेगी, तो ये हो जाएगा x a की पावर m x इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। तो मैंने एक चीज तो यूज कर ली कि लास्ट में हम पावर n लगाने पे e ले आया x x इनवर्स के, अब n वाले को यूज करूं कि अगर मैं a की पावर m बराबर e ले आऊं, कि मैंने ये बताया था अगर मैं a की पावर m बराबर e ले आऊं तो इसे मैं ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m लिख सकता हूं, और ऑर्डर ऑफ a n है तो n लेस देन इक्वल टू m बन जाएगा। तो अब मेरा काम है एक ही पावर एम बराबर आइडेंटिटी लेके आने का। तो इसके लिए मैं क्या करूं कि एक ही पावर एम बराबर आइडेंटिटी चाहिए मुझे, तो इसका मतलब ये दोनों नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो दुश्मन तैयार है इनके मेरे पास, तो करवाऊं मैं दुश्मन से ऑपरेशन। तो एक्स का दुश्मन कौन होगा, एक्स इनवर्स से पहले करवा दूं, और एक्स इनवर्स का दुश्मन कौन होगा, एक्स, इसका दुश्मन ये बनेगा क्योंकि इनवर्स का इनवर्स करूंगा तो एक्स होता है। तो इधर भी एक्स इनवर्स से पहले करवाई और एक्स से बाद में करवाई, एक साथ करवा दी मैंने x इनवर्स x से। तो यहां से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से x इनवर्स x एक साथ ले लूंगा, a की पावर m x इनवर्स x एक साथ ले लेंगे, और ये क्या बन जाएगा, e से करवाओगे तो x इनवर्स x हो जाएगा, आइडेंटिटी से किसी को करो वापस वही एलिमेंट आएगा, तो x इनवर्स x मिल क्या हुआ, e a की पावर m, और ये क्या बन गया, e बन गया, तो x इनवर्स x, और x इनवर्स x भी क्या बन गया, e बन गया आपका। तो यहां से e से कुछ भी करवाओ वही एलिमेंट आएगा, तो ए की पावर एम बराबर क्या गया, आइडेंटिटी आ गया, तो ए की पावर एम बराबर आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम हुआ, लेकिन ऑर्डर ऑफ ए कितना था, एन था, तो एन लेस देन इक्वल टू एम, इक्वेशन नंबर टू। तो मेरे पास इक्वेशन है वन में एम लेस देन इक्वल टू एन है और टू में एन लेस देन इक्वल टू एम है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट n बराबर m, कि n और m क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो n इक्वल टू m हो गया। तो n जो है वो तो किसका ऑर्डर था, a का ऑर्डर था, तो n को मैं ऑर्डर ऑफ a लिख सकता हूं, और m को मैं कह सकता हूं ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स लिख सकता हूं। तो मुझे यही प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ a बराबर ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g के लिए, g के लिए। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।